हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 11 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 27 अगस्त 2021। आज की वर्कशीट में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स जानेंगे। देखो, नॉर्मल नंबर्स को तो हमने ऐड करना आता है, हमें हम प्लस भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ 20 + 30 कितना हुआ, आप बता सकते हो मुझे कितना हुआ, है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ 34 और 26 कितना हुआ, तो भी आप बता सकते हो। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का केस भी आप कर सकते हो, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं डेसिमल नंबर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता कैसे है। देखो, यहाँ पर आपको ना एक टेबल बना के दे रखी है। ये वही जैसे टेबल नॉर्मल आपने पढ़ी होगी, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये वाली टेबल की है ना। ये वही सेम टेबल है, बस फर्क इतना है इसमें डेसिमल की भी एक टेबल ऐड हो गई है। वो कहाँ ऐड हुई है, देखो, 1, 10, 100, आगे कंटिन्यूएशन में वही चलेगा, 100 के बाद 1000, देन 10,000 वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया डेसिमल, और इसके इधर टेबल के राइट साइड पे इधर है टेंथ, TH, 100th, वंस नहीं आता इसमें डेसिमल के बाद, थाउजेंड, ठीक है, यहाँ पर TH आएगा और यहाँ पर आ जाएगा नंबर जो आपने फाइंड किया है, ठीक है। अब करना कैसे है इनको, ये तो आपको टेबल में समझा रखा है। ऐड और डेसिमल, हम ये डेसिमल में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे कैसे, वो देखो, यहाँ पर आपको पूरा समझा रखा है कैसे है। हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऐसा ही एक एक टॉपिक बता रखा है कि 100th वाले प्लेस को कैसे ऐड करना है, 10th वाले प्लेस को कैसे ऐड करना है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझते हैं इनको। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर एक पिरामिड दे रखा है जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये पिरामिड मैं आपको आखिरी में सॉल्व कराऊंगी, पहले हम ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम पिरामिड सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस पिरामिड में प्लस और माइनस दोनों है। तो पहले हम इन वाले क्वेश्चन से प्लस और माइनस सीख लेते हैं, फिर पिरामिड कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कह रहा है ऐड करना है 4.35 एंड 65.06, यहाँ लिख लेते हैं पहले। तो 4.35 एंड 65.06, तो इनको ऐड कैसे करेंगे, देखो, ये पॉइंट मतलब डेसिमल, डेसिमल की जगह डेसिमल लगाओ, डेसिमल के बाद 06 है लिख दो, डेसिमल से पहले 65 है, अब 6 के ऊपर कुछ नहीं, आप 0 लिख दो बस। अब आप क्या करो, इन्हें ऐड कर दो। तो 6 + 5 कितना होता है, 11 होता है, 1 कैरी कर लो, 3 + 1 होता है 4, डेसिमल की जगह डेसिमल रहेगा, 4 + 5 9 होता है, 6 का 6 होता है, तो ये आपका आंसर आ गया 69.41, ठीक है। चलिए क्वेश्चन टू देखते हैं, ऐड करना है फिर वही 81.9 एंड 14.15, तो 81.9 एंड 14.15। तो देखो, पहले मैंने 81.9 लिखा, डेसिमल की जगह डेसिमल है, उसके बाद 15 है और उससे पहले 14 है, ठीक है। एक सेकेंड, याद रखना डिजिट के नीचे डिजिट लिखना, तो कभी भी गलत नहीं हुआ। अब देखो, 5 के ऊपर कुछ नहीं है, 0 लगा दो, ठीक है, प्लस कर दो, 0 + 5 5, 9 + 1 10, 1 कैरी कर लो, डेसिमल की जगह डेसिमल, 4 + 1 5 + 1 6, 8 + 1 9, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 9, यहाँ 9 है, डेसिमल नहीं है, और 3.459 है, 3.459, एक बार चेक कर लेते हैं, यही है, ठीक है। देखो, आप कैसे करेंगे यहाँ पर, अब देखो 9 के आगे तो डेसिमल ही नहीं है, तो क्या करें हम, तो कुछ नहीं, आप डेसिमल लगा के खुद से कितनी भी जीरोज ले सकते हो, 3 लो 4 लो 5 लो, उससे कोई वो नहीं है, आप कितनी भी ले सकते हो। अब डेसिमल की जगह डेसिमल, डेसिमल से पहले था यहाँ पर 459 और डेसिमल के बाद था यहाँ पर 3, अब आप क्या कर दो, इन्हें ऐड कर दो, तो 459 तो ऐसे ही रहेगा, 0 में प्लस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, ठीक है, तो ये आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं, कह रहा है ज्योति बाय 1 kg ऑफ एप्पल एट द रेट ऑफ ₹90.505, 1 kg ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹55.45 एंड 500 ग्राम ग्रेप्स, ग्रेप्स कम लाइए वो, कितने के, 65.45 के। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय ज्योति, एक लड़की है ज्योति, उसने 3 फ्रूट्स खरीदे, एप्पल, ऑरेंज एंड ग्रेप्स, तीनों के प्राइस दे रखे हैं, आपको ही बताना उसने टोटल कितना खर्चा किया। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी इसकी। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स कितने थी, कॉस्ट 90.05, ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ऑरेंज, उसकी कॉस्ट कितनी थी मेरे पास, 55.45,
ठीक है, आप देख लो मैं डिजिट के नीचे डिजिट लिख लू, आप भी वही वैसे ही लिखना। तो कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम ऑफ ग्रेप्स, उसकी कॉस्ट कितनी थी मेरे पास 65.45। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना पैसे अमाउंट, कितने पैसे खर्च हुए हैं। तो मनी स्पेंड बाय ज्योति तो कितना आएगा, प्लस कर लो, देखो 5 + 5 + 5 = 15, 5 यहाँ लिखा 1 कैरी कर दिया, 4 + 4 = 8 + 1 = 9 हो गया, डेसिमल ऐसी है, 5 + 5 = 10 हो गया, 0 लिखा 1 कैरी कर दिया, 9 + 1 = 10 + 6 = 16 + 5 = 21। तो इतना उसने टोटल खर्चा किया है ज्योति ने फ्रूट्स के ऊपर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब सब्ट्रैक्ट करना है, आपको ये तो पता ही है कि सब्ट्रैक्ट में हम फ्रॉम वाला नंबर पहले लिखते हैं जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है ना। देखो तो यहाँ पर वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट 7.82 फ्रॉम 13.84। तो क्वेश्चन 5 है हमारे पास, 7.82 फ्रॉम 13.84। तो 13.84 और 7.82 माइनस करते हैं, तो 4 में से 2 गए तो 2, 8 में से 8 गए तो 0, 3 में से 7 नहीं जा सकता कैरी लेके, ये 13 बन गया, ये 0 बन गया, तो 13 में से 7 गया तो 6, यही आपका आंसर, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, 6.15 को 9.8 से, तो 9.8 यहाँ लिखा और 6.15 यहाँ लिखा। देखो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगाना बहुत जरूरी है वरना माइनस वाले गलत हो जाएंगे, ठीक है। अभी कुछ नहीं है तो यहाँ 10 बना दिया, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, इसने इसको कैरी दिया तो 7, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, आसान आसान क्वेश्चंस दिए आज की वर्कशीट में, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया गया डेसिमल वाला। सब्ट्रैक्ट करना है 3.323 फ्रॉम 7, तो 3.323 ना, तो देखो 7 के बाद 7 डेसिमल नहीं है इसके बाद, तो अभी मैंने आपको बताया था पॉइंट लगा के कितने भी जीरोस ले सकते हो, ठीक है ना। अब आप इसे माइनस कर दो तो ये तो 10 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, क्योंकि इसी ने ही सबको कैरी दिया, एक को दिया फिर उसने दिया फिर उसने दिया। तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 3 गया 3, ये आपका आंसर, क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, उसके बाद बस प्रामीण रह गया, फिर वर्कशीट कंप्लीट। हाउ मच 26 किलोमीटर इज लेस देन 56.8, कह रहे हैं बताओ कि 26 किलोमीटर कितना कम है 56.8 किलोमीटर से, तो माइनस करके देख लेते हैं कितना कम है। तो 56.8 और यहाँ आ जाएगा 26, अब इसके बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के मैंने जीरो ले लिया, अब माइनस कर दो, इसका मतलब 30.8 किलोमीटर कम है, ठीक है। चलिए आपका नहीं पिरामिड कंप्लीट करें, चलो आ जाते हैं पिरामिड पे, क्या कह रहा है पिरामिड देखते हैं। कह रहे टू सॉल्व द पजल ईच बिलो मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ टू नंबर, कह रहे हैं इस पजल को ऐसे सॉल्व करना है कि जो दो नंबर है ना, ईच नंबर मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ टू नंबर, जो ये वाला है ये इन दोनों के सम के बराबर है, फिर ये वाला जो है वो इन दोनों के सम के बराबर है, ये वाला जो है वो इन दोनों के सम के बराबर है, ऐसे करते करते सॉल्व करना है। तो अब आप इसे कंप्लीट करके दो फिर, तो कैसे कंप्लीट करें, चलो नीचे से इसको कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाले दोनों नंबर है तो उन्होंने एरो बना के दिया है, तो इन दोनों के सम के बराबर है ना ये दोनों, तो सम निकाल लो ना, 0.8 और 2.7 को प्लस कर लो, तो 8 + 7 तो 15 होता है, 5 यहाँ 1 कैरी किया तो यहाँ 3 बन गया, तो ये आ जाएगा 3.5, ठीक है। अब आपको कह रहा है ये दो एरो ध्यान रखो, दोनों एरो बने हुए हैं, तो 2.7 में 3.5 को प्लस कर लो, 7 + 5 = 12 हो गया, 2 + 3 = 5 + 1 = 6 हो गया, तो ये हो गया 6.2, ठीक है ना। अब फिर दोबारा एरो बने हुए हैं, तो 6.2 में 7.6 प्लस कर लो, तो 6 + 2 = 8, 7 + 6 = 13, तो कितना आ जाएगा 13.8 आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी क्या करना है, अब प्लस वाले तो हो गए हैं ऑलमोस्ट, अब आ जाते हैं माइनस भी कुछ करने पड़ेंगे क्योंकि अभी कुछ ब्लैंक्स रह गए हैं। तो देखो ध्यान से देखो इस वाले को, देखो इसको और इसको प्लस करूंगी तो ये आएगा, तो मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या करती हूँ, 2.7 में से 0.8 घटा देती हूँ, हटा देती हूँ तो आ जाएगा,
ठीक है, तो 7 में से 8 नहीं जाएगा तो 17 बचा। 17 में से अगर आप 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.9। अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 1.9 में 0.8 प्लस करो तो 2.7 ही आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब ये तो दोनों ही बच गए, तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। देखो इस 7.6 में से अगर मैं 3.5 माइनस कर दूंगी तो आ जाएगा तो 4.1, तो इसका मतलब यहाँ 4.1 आएगा। जब नीचे वाले दोनों ब्लैंक आपको में से एक दे रखा है और एक ऊपर का दे रखा है तो सब्ट्रैक्ट करके निकाल दो, और जब नीचे दोनों फील दे रखे हैं ऊपर का निकालना है तो क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। ठीक है ना, 4.1। अब ऐसे ये वाला आ जाएगा, देखो नीचे वाला एक ब्लैंक खाली है, तो अगर मैं 4.1 में से 2.7 माइनस कर दूं तो आ जाएगा, तो 11 में से 7 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1, तो 1.4 आपका आंसर। क्लियर, आप समझ में आ गया प्रामिट? तो एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाएंगे तो प्रामिट तो इजिली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट होती है। एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन यहाँ लिख देती हूँ मैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत आसान सा दे रही हूँ प्लस करने के लिए। तो 4.9 में प्लस करके बताइएगा मुझे 2.9 की कितना आंसर आया। बहुत इजी है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लग के बस प्लस करके आंसर करना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे कि इसका क्या आंसर निकला। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो आपकी नेक्स्ट वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 12 मैथ्स की, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू।